बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के सत्र की, जहां पर सदन में आज जोरदार हंगामा बरपा। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 पर सदन में चर्चा हो रही थी कि विधायक संयम लोढ़ा ने सदन में यह मामला उठाया। नाबालिग से रेप मामले को लेकर के सदन में इस पूरे प्रकरण को उठाते हुए संयम लोढ़ा ने कहा कि क्या राजस्थान का विपक्ष कमजोर है, रेप मसले पर सदन में जवाब विपक्ष नहीं ले सका। संयम लोढ़ा ने आरोप भी लगाया कि आखिरकार ये विपक्ष को निशाना करते हुए कि विपक्ष के लोग थे जिन्होंने रेप की घटना को अंजाम दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और तमाम विपक्षी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। इनके जो बोल रहे हैं इनकी प्रोसीडिंग देख करके और जो भी कुछ रखना होगा या डिलीट करना होगा ये सब कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, देख के करेंगे ना सभापति महोदय। ये सदन नियमों से चलता है। आपकी भावना, आपकी भावना इस सदन के अंदर आपकी भावना मंडी नहीं है। लोगों ने आरोप लगाकर चले जाए। नाबालिग लड़की से यूनिवर्सिटी कैंपस में तुम्हारे संगठन के काम के लिए और राजस्थान विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और सीधे हम आपके लिए राजस्थान विधानसभा ले चलते हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर देखते हैं। और राजस्थान में साइबर एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट बना करके उनको विश्व के स्तर पर रोजगार देगा, देश के स्तर पर देगा, राजस्थान के स्तर पर रोजगार देगा। आपने जिस तरीके से डिप्लोमा का वो बताया, डिप्लोमा नहीं था वो कोर्स, एक 6 दिन की ट्रेनिंग थी जो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट से MOU करके 6 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जो DOIT के माध्यम से प्रमाण पत्र दिए गए थे। सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में आपको कोई शक नहीं करना चाहिए, हमारी प्रतिबद्धता है। और आप ये कह रहे हो अधिनियम से पहले, आप देखिए कि भारत सरकार ने ये हमको आश्वासन दिया था और ये इंडिकेशन दिया था कि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएं, हमने उस समय ही तैयारी शुरू कर दी। ये हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हमने समानांतर अधिनियम आने से पहले ही DOIT के माध्यम से 130 करोड़ का काम कर दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि बजट नहीं है, आपने यूनिवर्सिटी कैसे बना दी, और जब बना दी तो आपने कहा पहले कैसे बना दी। तो भाई दुनिया जो है चढ़े हुए को भी हंसती है और पैदल को भी हंसती है। चढ़ा हुआ जाता है तो साले के मोटर पास है एंकर आ गया, और पैदल जाएगा तो कहेगा फटीचर है। तो हमने निश्चित रूप से बजट प्रावधान किया है और बजट प्रावधान के आधार पर समय पर यूनिवर्सिटी बने, ये संस्थान बनेगा और विश्व स्तर का संस्थान बनेगा। आपने UGC NCERT की मान्यता का प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न सही है, लेकिन जब संस्थान खड़ा होगा तभी तो मान्यता लेंगे हम। हमारी संस्था खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो हम UGC के पास भी जाएंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पास में भी जाएंगे। और NCERT से और UGC से मान्यता लेने के बाद ही संस्थान को विधिवत रूप से शुरू करेंगे। एक बात आपने और कह दी, राजीव जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ और उसमें 15 पैसे खर्च होते। मैं बीकानेर की मीटिंग में उनके बगल में ही बैठा हुआ था, हरदेव जी जोशी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ या मान लीजिए 100 रुपये भेजता हूँ उसमें 70% प्रशासनिक व्यय लग जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, और 10-15% जो है बनाने वाला ठेकेदार का लाभ हो जाता है, 15% पैसा खर्च होता है। इसलिए उन्होंने गांव में जवार। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर SMS अस्पताल को बड़ा तोहफा दिया गया है। SMS मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी स्थापित होगा। 3 मंजिला बेसमेंट पार्किंग, 9 मंजिला भवन का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 293 करोड़ 79 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
293 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। एसएमएस अस्पताल को यह बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की है, घूसखोर पटवारी को ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ है। आमेर तहसील में रोजदा पटवार का यह पटवारी है अविकार शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, घूसखोर पटवारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। 1,00,000 रुपए की रिश्वत की ये डिमांड कर रहा था घूसखोर, और इसे 50,000 लेते हुए रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पकड़ा है। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, जहां एसीबी की बांदीकुई में बड़ी कार्रवाई हुई है। हेड कांस्टेबल को एसीबी ने ट्रैप किया है। मुकदमे से नाम हटाने के एवज में घूसखोर हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी। 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे दबोच लिया। और दौसा एसीबी के एसपी महेंद्र शर्मा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की, एसीबी की बांदीकुई में बड़ी कार्रवाई, जहां पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों की ओर से महापड़ाव का ऐलान किया गया है। संविदा कर्मी संविदा रूल्स का विरोध कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मचारियों ने विधानसभा के 22 गोदाम स्थल पर धरना दे दिया है। संविदा कर्मी नौकरी नियमित करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से संविदा कर्मी यहां पर पहुंचे हैं। भले ही संविदा नियम लागू कर दियो, लेकिन संविदा कर्मी इससे संतुष्ट नहीं है। राजधानी जयपुर में आज महापड़ाव डाला जा रहा है। आप देखिए, राजधानी जयपुर में विधानसभा के पास में ही ये महापड़ाव जो है वो डाला जा रहा है। पूरे प्रदेश भर के संविदा कर्मी है वो संयुक्त संविदा मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग है, तमाम मांगे। इनके प्रतिनिधि हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, क्या मांग लेकर के आप लोग आए हैं, आखिर क्यों किया जा रहा महापड़ाव जब संविदा रूल घोषित कर दिए सरकार ने, फिर किस बात का गतिरोध? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने संविदा नियम बनाकर हमें संविदा से संविदा में डालने का काम किया है, राजस्थान सरकार कई बार कह चुकी है कि हम राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण करने जा रहे हैं, परंतु मैं बता देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को, आज भी राजस्थान की जो तमाम, आप देख सकते हो कि तमाम संविदा कर्मी केवल संविदा कर्मी ही हैं, केवल संविदा से संविदा सेवा नियम में डालना हमारा स्थायीकरण नहीं है। और इसी रोष और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पूरे प्रदेश के तमाम संविदा कर्मी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर पहुंचे हैं, और राजस्थान सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके अपने मैनिफेस्टो में आपने स्थायीकरण का जो हमसे वादा किया था संविदा कर्मियों से, उस स्थायीकरण के वादे को आप पूरा करें, और उसी वादे को याद दिलाने के लिए एक बार पुनः पूरा राज्य। ये वादा जो है वो पूरा करने की बात सरकार की तरफ से कहां तक पहुंची है? आपने क्या सरकार से बातचीत डायलॉग करने की कोशिश की? बिल्कुल, सरकार से पिछले 5 सालों में लगातार बात हुई है, और उन्होंने 1,10,000 संविदा कर्मियों को संविदा से उठा के संविदा सेवा नियम में डाल दिया, यानी कि नाम चेंज करके एक रूल बना दिया, जबकि और ज्यादा टाइट कर दिया हमारी सर्विस को, और 5 साल का बॉन्ड भरवा लिया कि 5 साल तक ही आपकी सेवा रहेगी, 5 साल बाद घर बिठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि राहुल जी ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका जी ने कर दिया, माननीय अशोक गहलोत साहब ने कर दिया, पूरी दुनिया भर के ढिंढोरा पीट दिया, हजारों करोड़ों के इश्तहार राजस्थान सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग का पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आज भी कुएं से उठाकर बावड़ी में संविदा को डालने का जो काम किया है उसको लेकर आज चिकित्सा मदरसा पैरा टीचर शिक्षा पंचायत विद्यालय सहायक नरसम नरेगा शहरी रोजगार तमाम कैडर आज यहाँ आए, और इन्होंने प्रण ले लिया कि वो अपनी पंचायती सदन में करेंगे और हमारी पंचायती हम सड़क पर करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बदला, न्यूज 18 जयपुर। तो वही राजसमंद के देवगढ़ में पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला है। कामली घाट रेलवे स्टेशन पर पुलिस के जवानों ने 2 यात्रियों की जमकर पिटाई की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें कि एक मासूम के सामने ही उसके पिता को अपराधियों की तरह से पुलिस कर्मियों की ओर से मारा गया, घसीट करके ले गए हैं, और यात्री का कसूर इतना था कि रेलवे स्टेशन पर उसने ट्रेन से उतारने का विरोध कर दिया था। बस इसी बात को लेकर के पुलिस कर्मियों ने इनके साथ जो व्यवहार किया वो कैमरे में कैद हुआ है। ओवरलोडेड ट्रेन होने पर अंदर नहीं जाने देने पर विरोध जताया था स्टेशन मास्टर और थाना अधिकारी से। यात्रियों की बहस हुई थी, उसके कुछ ही देर बाद स्टेशन पर पुलिस के जवान पहुंचे, 2 यात्रियों को पीटा, उनके बच्चे के सामने पीटा, मारपीट के बाद घसीटते हुए दोनों को पुलिस की गाड़ी तक लेकर गए। मारपीट की घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। रोते बिलखते मासूम की गुहार भी पुलिस के जवानों ने नहीं सुनी, और इनका दिल नहीं पसीजा,
और इस मासूम के सामने उसके पिता को जमकर पीटते गए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते गए और उसे कॉलर पकड़ करके अपराधियों की तरह से घसीटते हुए ले जाते हुए पुलिसकर्मी कैमरे में कैद हुए हैं। तो काकी का ये क्रूर चेहरा राजसमंद से सामने आया। देवगढ़ की ये तस्वीरें हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो वहीं भरतपुर के कुलदीप जघीना हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी, जहां पर चार आरोपियों को बयाना कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड की अवधि के बाद आज कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में पेशी हुई, तो इन चारों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश इन आरोपियों को कोर्ट ने दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी, चार आरोपियों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। बयाना कोर्ट में इनकी पेशी की गई। इससे पहले बयाना कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कुलदीप जघेना हत्याकांड को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने अब रिमांड अवधि खत्म होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पुलिस ने रिमांड खत्म होने के बाद इन्हें बयाना कोर्ट में पेश किया था। चले आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर, जहां जमीन के अतिक्रमण को लेकर के पत्थर चले हैं। अग्रवाल पंचायती भवन के पास में जमीन अतिक्रमण की कोशिश की गई है। दो पक्षों में इसे लेकर झगड़ा हुआ, जमकर पथराव हुआ। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पत्थरबाज मौके से भाग छूटे। अब इसके बाद अग्रवाल समाज की ओर से केस दर्ज करवाया गया है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पत्थरबाज जो पहले पत्थरबाजी कर रहे थे, जैसे ही पुलिस को देखा मौके से भाग खड़े हुए। तो भीलवाड़ा में सुराज हत्याकांड के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। लुटेरों ने दंपति पर जानलेवा हमला किया था और इस हमले में पति की मौत और पत्नी की के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ग्रामीण इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है और ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। उधर अजमेर में बारिश ने शहर के हाल खराब कर दिए हैं। अलवर गेट पुलिस थाना पानी पानी हो गया, तो जेएलएन अस्पताल और अनेक बस्तियों में भी पानी घुस गया। सड़कें दरिया बन गई और इस दौरान बच्चे सड़क पर स्विमिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये अलवर गेट पुलिस थाने की तस्वीरें हैं अजमेर की, जहां पानी घुसा है। बारिश ने हाल खराब कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है, पानी की निकासी नहीं होने के चलते ये स्थितियां आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तस्वीरें देखिए, जेलन अस्पताल से लगा करके अलवर गेट पुलिस थाना और निचली बस्तियों में इस तरह से पानी लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बना हुआ है। जेएलएन अस्पताल के साथ ही अनेक बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। तेज बारिश के बाद ये हाल पैदा हुए हैं। दरअसल यहां पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, नालियां नाले जाम हैं, समय पर कचरा नहीं निकाला गया और इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को, स्थानीय पुलिस थाना जो पूरी तरह से पानी पानी है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हाड़ौती की, जहां पर अच्छी बारिश हुई है और इसके बाद मानसूनी सीजन में पहली बार कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कोटा बैराज के गेट खोलने की, तीन गेट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है और इन तस्वीरों को देखने के लिए काफी संख्या में कोटा बैराज पर लोग भी पहुंच रहे हैं। तीन गेट खोल करके चंबल के डाउन स्ट्रीम में ये पानी छोड़ा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में कोटा और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर लगातार चल रहा है और ऐसे में चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। इसी के साथ पानी की निकासी अब शुरू की गई है। तीन गेट कोटा बैराज के खोले गए हैं। तो कोटा बैराज से चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है और जैसे ही ये तीन गेट खोले गए हैं उसके बाद की स्थितियां देखिए, लगातार बारिश के बाद पानी की आवक बढ़ती जा रही है।
खास और खूबसूरत तस्वीर निकल करके आती है जब कोटा बैराज से शुरू होता है वाटर डिस्चार्ज। फिलहाल मानसूनी सीजन में ये पहली मर्तबा यानी कि पहली बार इस मानसूनी सीजन में कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू की गई है। कोटा बैराज के 3 गेट खोले हैं और 3 गेट खोल करके वाटर डिस्चार्ज यहाँ पर शुरू किया गया है। बीते 2-3 दिन से लगातार न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में बारिश का दौर जारी है और जिसके साथ ही चंबल नदी में पानी की आवक बढ़ी है। जब आवक बढ़ी है तो इसके साथ ही पानी की निकासी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। मोटे तौर पर जब मध्य प्रदेश में भारी बारिश होती है इसके साथ ही चंबल के जो तमाम बांध हैं, चाहे कोटा बैराज की बात कर ली जाए, जवाहर सागर की बात कर ली जाए, राणा प्रताप सागर की बात कर ली जाए या गांधी सागर की बात कर ली जाए, इन सभी बांधों में पानी की आवक शुरू हो जाती है और जिसके बाद में एक एक करके सभी से पानी की निकासी शुरू कर दी जाती है। और फिलहाल ये वाटर डिस्चार्ज की तस्वीरें कोटा बैराज से, यहाँ पर 3 गेट खोल दिए गए। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।